मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ओम शांति आज की तारीख है 12 छः 2024 के बाबा के साकार महावाक्य मीठे बच्चे बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की जो नंबर वन पूज्य था फिर पुजारी बना है यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ बाबा ने प्रश्न पूछा बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा बरसा देने आए हैं बाबा ने उत्तर दिया बाप सुख शांति प्रेम का सागर है यही सारा खजाना वह तुम्हें बिल करते हैं ऐसा बिल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो खुट नहीं सकता यानी कम नहीं हो सकता तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है ओम शांति शिव भगवानु बाज। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है पहले पहले निराकार आत्मा थी फिर साकार बनी है साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है तब उनका पार्ट चलता है मूल वतन में तो कोई पार्ट है नहीं जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पार्ट नहीं स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं पाठ पर ही सारा मदार है आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है जैसे तुम तो बच्चों की आत्मा है वैसे इनकी आत्मा है बाप परम आत्मा क्या करते हैं उनका एक्यूपेशन क्या है वो जानता है कोई प्रेसिडेंट है राजा है यह आत्मा का एक्यूपेशन है ना यह पवित्र देवताएं हैं इसलिए इनको पूजा जाता है अभी तुम समझते हो यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विशप के मालिक बने हैं किसने बनाया परम आत्मा ने तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो पढ़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं कितना सहज है इसको कहा जाता है राजयोग बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं बाप तो है ही सतो प्रधान उनकी कितनी महिमा गाते हैं भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं समझ कुछ नहीं देवताओं को पूजते हैं शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं कुछ पता नहीं देवताओं ने राज्य किया अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूछते हो देवताओं का तो फिर भी मालूम है वह है स्वर्ग के मालिक उन्हों को किसने बनाया यह भी पता नहीं पूजा भी करते हैं शिव की परंतु ख्याल में नहीं कि यह भगवान है भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है कितनी भक्ति करते हैं हैं सब अनजान तुमने भी शिव की पूजा की होगी अभी तुम समझते हो आगे कुछ भी नहीं जानते थे उनका एक्यूपेशन क्या है क्या सुख देते हैं कुछ भी पता नहीं था क्या यह देवताएं सुख देते हैं भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं परंतु उनको तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना, बलिहारी उनकी है यह तो सिर्फ राजाई करते हैं प्रजा भी बन जाती है बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते हैं अगर करते भी हैं तो अलग काल के लिए अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं उनको कहा जाता है कल्याणकारी बाप अपना परिचय देते हैं मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे उनको परम आत्मा कहते थे परम आत्मा से परमात्मा हो जाता परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं बस सिर्फ कह देंगे कि वह सर्वव्यापी है नाम रूप से न्यारा है फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शौपता नहीं है आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना उनको निराकार तो कह नहीं सकते तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं बाबा के आगे भी जाकर आर्ग्यू ही करेंगे फालतू तो माथा खपाएंगे फायदा कुछ भी नहीं यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है यह पढ़ाई है बाप टीचर बन पढ़ाते हैं तो मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो देवी देवता हैं सतयुग में कलयुग में होते नहीं राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके देवी देवता थे फिर बाम मार्ग में चले जाते हैं बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं बाप कहते हैं माया जीते जग जीत बनो तो उन्होंने फिर जगन्नाथ नाम रख दिया है ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं देवताएं है बाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े उनकी भी पूजा करते रहते हैं मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे चौरासी जन्मों का हिसाब किसकी भी बुद्धि में नहीं है पहले पूज्य सतो प्रधान फिर चौरासी जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो देवताएं बाम मार्ग में जाकर भिकारी बन पड़े फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते बाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो यह निशानी दिखाई है तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं वह तो हीरा है जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं वह तो कभी काला बनते नहीं उनको फिर काला क्यों बना दिया है कोई काला होगा उसने बैठ काला बनाया होगा शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने मैं तो सदैव गोरा हूँ मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने लिए ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है फॉलो फादर जैसे इसने यानी बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया फल साधारण थे ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार थे बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए ना बहुत ऊंच, ना बहुत कम बाप ही सब शिक्षा देते हैं यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान कहा दिखाओ अरे आत्मा बिंदी है उनको देखेंगे क्या यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आँखों से होता नहीं तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर कोई शरीरधारी होगा निराकार कैसे पढ़ाएंगे मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है जैसे तुम आत्मा हो शरीर द्वारा पाठ बजाते हो आत्मा ही पाठ बजाती है आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा तो आत्मा बाच परंतु आत्मा बाच शोभता नहीं आत्मा तो बाण प्रस्त बा से परे है बाज तो शरीर से ही करेगी बानी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है बानी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए बाप भी ज्ञान का सागर है तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना उसको रथ कहा जाता है नहीं तो वह सुनाई कैसे बाप पति से पावन बनने लिए शिक्षा देते हैं प्रेरणा की बात नहीं यह तो ज्ञान की बात है वह आए कैसे किसके शरीर में आए आएगा तो जरूर मनुष्य में ही किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे रचेता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रथ कौन सा है बहुत मनुष्य मूझे हुए हैं किस किस का रथ बना देते हैं जानवर आदि में तो आ ना सके बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं यह तो समझ नहीं सकते आना भी भारत में ही होता है भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है यह तो है ही रावण राज्य गायन भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है उसका कभी विनाश नहीं होता अविनाशी बाप विनाशी भारत खंड में ही आते हैं किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं और तो कोई जान ना सके तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके वह हैं हठ योगी निवर्ती मार्ग वाले बाकी रहे भारतवासी भगत अब भक्तों में भी किस भक्त में आए भगत पुराना चाहिए जिसने बहुत भक्ति की हो भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है भारत में भगत तो ढेर हैं कहेंगे ये बड़ा भक्त है इसमें आना चाहिए ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं कल भी कोई को वैराग्य आए भगत बन जाए वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना उसमें आएंगे नहीं मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके कितनी गुप्त बातें हैं मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं नंबर वन जो पूज्य था वहीं फिर नंबर वन पुजारी भी बनेगा खुद ही कहते हैं यह रात ही पहले नंबर में जाते हैं फिर चौरासी जन्म भी यही लेते हैं मैं इनके ही बहु जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ इनको ही फिर नंबर वन राजा बनना है यही बहुत भक्ति करते थे भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे परिवारी बारी कैसे गया सब कुछ दे दिया इतने ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं इसको पढ़ाई भी कहा जाता है रुद्रशिव बाबा जो ज्ञान का सागर है उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए अक्षर बिल्कुल ठीक है राज्य सब सब राज्य पाने के लिए यज्ञ इसको यज्ञ क्यों कहते हैं यज्ञ में तो वह लोग आहती आदि बहुत डालते हैं तुम तो पढ़ते हो आहुति क्या डालते हो तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम में जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं बाप है तो बहुत साधारण मनुष्य क्या जाने उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है मनुष्यों को कैसे पता पड़े यह दादा तो जोरी था शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है बस यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है इसमें शक्ति है वह शक्ति भी आई कहाँ से बाप ने प्रवेश किया ना जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़ी दे देते हैं तुम योग बल से लेते हो वह तो सर्वशक्तिमान है ही उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है यह भी कोई जानते नहीं बाप आकर सब बातें समझाते हैं बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंख चढ़ी हुई थी पुराना देश पुराना शरीर उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ कट जो चढ़ी है वह कोई उतार ना सके कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है वह एवर प्योर है यह तुम समझते हो यह सब बुद्धि में बिठाने लिए भी टाइम चाहिए तुम बच्चों को बाप सब बिल कर देते हैं बाप ज्ञान का सागर शांति का सागर है सारा बिल कर देते हैं बच्चों को आते भी पुराने दुनिया में हैं प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कोड़ी जैसा बना वो भल इस समय करोड़पति हैं परंतु अल्पकाल काल के लिए सबका खलास हो जाएगा वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो अभी तुम भी स्टूडेंट हो यह भी स्टूडेंट है यह भी बहुत जन्मों के अंत में है कट चढ़ी हुई है जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है वही सबसे पतित बनते हैं उनको ही फिर पावन बनना है यह ड्रामा बना हुआ है बाप तो रियल बात बताते हैं बाप है ट्रुथ मैं कभी उल्टा नहीं बतलाते यह सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े अच्छा मीठे मीठे सिकलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुरली के लिए धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर एक ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है पूरा बारी जाना है खान पान रहन सहन बीच का साधन रखना है ना बहुत ऊंच, ना बहुत नीच नंबर दो बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना बिल किया है उसे दूसरों को भी देना है कल्याणकारी बनना है वरदान सतगुरु परम पिता परमात्मा जी का पवित्रता की गुहाता को जान सुख शांति संपन्न बनने वाले महान आत्मा भव पवित्रता के शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है ब्रह्मचारी रहते हैं पवित्र बन गए हैं लेकिन पवित्रता जर्नी है चाहे संकल्प से चाहे वृत्ति से वायुमंडल से वाणी से संपर्क से सुख शांति की जर्नी बनना इसको कहते हैं महान आत्मा स्लोगन ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो वाइब्रेशन फैलाओ ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो वाइब्रेशन फैलाओ ओम शांति